बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं साराज किचन। आज मैं आपको गंदम का आटा गूंदने का तरीका बताती हूँ, जो सही तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हमने कलौंजी लेनी है, एक चुटकी, ज़्यादा नहीं। कलौंजी की तो आपको पता बहुत फ़ायदे हैं। और एक खाने का चम्मच हमने इसमें नमक ऐड करना है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और दो खाने के चम्मच ऑयल इस्तेमाल करना है हमने, और इन सब चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कलौंजी आप खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है और काफ़ी बीमारियों का भी इलाज है। तो हमने मिक्स कर लिए, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। आटे को हमेशा पानी से गूंदें, आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें। हाथों की मदद से इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होता है कि आपकी रोटी फूली फूली बनती है और सॉफ्ट हो जाता है आटा। गंदम के आटे को ज़्यादा गूंदना पड़ता है, जो तो थैले वाला आटा होता है उसको इतना गूंदने की ज़रूरत नहीं होती। इसको ज़्यादा टाइम गूंद के रखना भी पड़ता है, ताकि ये सेट हो जाए और रोटी आपकी अच्छी बने। ये देखें जी, आटा हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हम हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ऐसे गूंदेंगे उसको दोनों हाथों की मदद से, जितना ज़ोर से और दबा के आप गूंदेंगे, इतना ही आटे के जल्दी जल्दी लम्स टूटेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत थैले वाले आटे की। आटा है जो लगा होता है उसको हाथों की मदद से साफ कर लिया करें, और हाथों को भी देखें साफ रखा करें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। अच्छा सॉफ्ट सा हो गया है आटा।
शरारता हो गया तैयार। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। चलें जी, देखिए जी हमारा गंदम का आटा कितना अच्छा गूंद के तैयार हो गया है। और इसको आप कम से कम घंटा या डेढ़ घंटा आप इसको फ्रिज में रखें या बाहर ही कहीं रख दें तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी बनाने में भी बहुत अच्छी बनेगी आपकी रोटी भी। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।